आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता पटेल, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एपेक्स हॉस्पिटल, कैंसर इंस्टीट्यूट। तो आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में, जो हर साल हमारा एक थीम होता है, हम एक सिलेक्ट करते हैं WHO के द्वारा, वो सिलेक्ट किया जाता है और सभी ऑब्जर्व करते हैं, जिसका मेन इंटेंट होता है तंबाकू और उसके दुष्प्रभावों के बारे में समाज को बताना, सब अपने इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, ताकि जो इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं, जो इसके दुष्परिणाम हैं, इसे जो स्वास्थ्य पे जो हानिकारक इफेक्ट होता है उसके बारे में लोगों को पता चल सके। तो इस पूरे पैनल का जो संचालन करेंगे वो डॉक्टर आदित्य करेंगे, जो कि जूनियर रेजिडेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एपेक्स हॉस्पिटल, और हमारे साथ मुझे इंक्लूड करके 4 क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर गौरव गोस्वामी, डॉक्टर नेहा गुप्ता, मैं डॉक्टर अंकिता एंड डॉक्टर कुशल गोस्वामी। तो मैं आगे संचालन के लिए डॉक्टर आदित्य को माइक हैंड ओवर कर रही हूँ। थैंक यू मैम। सो हम अपना पैनल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन होगा डॉक्टर गौरव के लिए। सर, जो 31 मई इस साल का 31 मई 2023 का नो टोबैको डे हम मना रहे हैं, उसका थीम क्या? इस साल जो थीम सेलेक्ट की गई है वो है वी नीड फूड नॉट टोबैको, अर्थात हमारे खाद्य पदार्थ की ज़रूरत हमारी ज़्यादा है, ना कि ये जो नशीले जो पदार्थ जो बनाए जाते हैं। और आप देखोगे कि गवर्नमेंट्स का फोकस कमर्शियल पे भी रहता है, लेकिन ये एक्शन हमें अपने लोकल या विलेज लेवल से शुरू करके स्टेट और नेशनल लेवल पे ही करना है। सो वी नीड टू फोकस, ज़्यादा ध्यान देना है हमारे खाद्य पदार्थों पे, ना कि कमर्शियल क्रॉप्स जैसे टोबैको है, तंबाक की जो आपकी खेती है उस पर थोड़ी हमें कंट्रोल करनी है। ओके सर, और एक सवाल है आपके लिए कि लोग किस तरह से तंबाकू का सेवन करते हैं? तंबाकू सेवन कोई नई चीज़ नहीं, हज़ारों सालों से आ रही है ये, और लोगों ने कई नए नए तरीके से उन्होंने अपनाई है, लेकिन सबसे कॉमन जो आती है कि लोग उसे चिरुट या सिगरेट या बीड़ी या सिगार के फॉर्म में लेते हैं, और जो चूइंग टोबैको है यानी खैनी या सुरती होती है वो काफ़ी कॉमन है हमारे जो गाँवों में, जो हमारे जो थोड़े लोअर या मिडिल इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं उनमें, और भी है जैसे अब नए युवा पीढ़ी में लोग वो गुटखा खाते हैं और पान मसाला खाते हैं या जर्दा वाले लेते हैं, ये पान में भी आती है। और एक फॉर्म आती है, उसे लोग टोबैको पेस्ट या फिर गुल के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और इसे स्निफ भी किया जाता है, यानी अपने आप पुराने ज़माने के मूवीज़ या फिर सीरियल्स में भी देखोगे लोग वो उसकी पाउडर उसको स्निफ किया करते हैं। सो ये वेरियस फॉर्म्स हैं, और कोई भी फॉर्म किसी भी फॉर्म में ये सेफ नहीं है, हर एक फॉर्म में ये हानिकारक कैंसर पैदा करने वाली चीज़ है। हाँ, तो मैं डॉक्टर नेहा मैम से ये पूछना चाहूँगा कि मैम, जो टोबैको होती है उसमें जो एक्टिव सामग्री क्या है, और ये टोबैको का इफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन पर कैसे होता है? तो आदित्य, बहुत अच्छा सवाल है, और जैसे कि डॉक्टर गौरव ने बताया कि दो तरीके के तंबाकू इस्तेमाल किए जाते हैं, या तो आप उसको स्मोक करें जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, या फिर आप उसको चबाएं जैसे कि खैनी, सुरती, जर्दा, पान मसाला, तंबाकू, और भी बहुत कुछ होते हैं जो जिसका कि वर्णन नहीं कर सकते हैं। और इन सब में जो मुख्यतः जो पदार्थ पाया जाता है जो कि कैंसर करता है वो है निकोटीन, ये सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। इसके अलावा और भी अन्य पदार्थ होते हैं, ऐसे हज़ारों पदार्थ होते हैं, लेकिन जो कि मान्यता जिसकी हुई है कि 70 प्रमुख कारण हैं, 70 प्रमुख पदार्थ हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, और उसमें से निकोटीन के अलावा है आर्सेनिक, पॉलीहाइड्रोकार्बन्स, फॉर्मल्डिहाइड, लेड, बेंजीन, ये तो है जो कि आप जब आप बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं। बाकी जब वो जो भी तंबाकू जिसको कि आप चबाते हैं जैसे कि खैनी, जर्दा, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, इसमें जो होते हैं वो पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये बहुत ही ख़राब पदार्थ होता है जो कि कैंसर कॉज करता है। तो जब भी हम तंबाकू का नाम सुनते हैं तो एक ही बीमारी हमारे मन में आती है कि कैंसर। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम डॉक्टर नेहा मैम से पूछना चाहते हैं कि कौन से कैंसर तंबाकू से होते हैं? तो ये आदित्य, एक बात आपको बताना चाहूँगी और हमारे बाकी जितने भी श्रोता हैं, ये तंबाकू सिर्फ कैंसर की बात हम आज कर रहे हैं क्योंकि नो टोबैको डे है,
जो कि हर दिन नो टोबैको डे होना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं होना चाहिए। लेकिन कैंसर तो एक है ही, जो अन्य बीमारियां जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि हार्ट ब्लड प्रेशर हो गया, दिमाग मस्तिष्क में आदमी का दिमाग की नस फट जाती है और वो पैरालिसिस हो जाता है, तो ये ज़्यादा है। उसके बाद तो कैंसर आता ही है। कैंसर में भी कोई भी शरीर का ऐसा अंग नहीं है जहाँ पे कैंसर नहीं हो सकता है तम्बाकू के कारण। लेकिन चूंकि हमें अपने श्रोताओं को बताना है कि मुख्यतः ये कहाँ कहाँ होता है इस टोबैको से, तो ये जानिए कि जो हमारा जो मुख का एरिया है, यानी कि अगर हम लोग शुरुआत करें होठ से, उसके बाद अपना तालू आता है, जबान आती है, फिर ये गाल और नीचे का जबड़ा जो होता है, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी भाषा में लोअर एल्वोलस कहते हैं, यहाँ पे अधिकतर लोग जो है अपना तम्बाकू रखते हैं। और आप लोग को ये ज़रूरी है जानना कि ऐसा क्यों होता है कि तम्बाकू तो पूरे मुंह में जाती है लेकिन कैंसर एक हिस्से में आता है। इसका कारण यही है कि इंसान जहाँ पे तम्बाकू को ज़्यादा देर तक के लिए रखता है, वहाँ पे उस कैंसर जो कि निकोटीन है या जो आर्सेनिक है या जो लेड है, उसका उस त्वचा से संपर्क में ज़्यादा रहता है, और इसके कारण से वहाँ की जो सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स से बदलकर कैंसर सेल्स हो जाती हैं। तो इस कारण से वो हिस्सा पहले कैंसर का हो जाता है। लेकिन जब ट्रीटमेंट के बाद हमसे मरीज पूछते भी हैं कि अब हमें कैंसर हो गया, हमारा ऑपरेशन हो गया, सिकाई हो गई, कीमो हो गई, अब हम कैंसर फ्री हो गए, कैंसर मुक्त हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आंसर आप लोग को बिल्कुल बताना ज़रूरी है कि क्योंकि आपने इतने साल सेवन किया है तम्बाकू का, तो भले ही उसका असर केवल एक जगह हुआ है लेकिन वो पूरे मुंह पे है, और आगे चलकर आपको फिर से होने की संभावना रहती है। ज़रूरी नहीं है कि होगा लेकिन रहती है। तो आपको अपने चिकित्सक के पास, जब तक वो कहे नहीं कि आप नहीं आएंगे, आपको दिखाने आना पड़ता है। उसके बाद आगे नीचे जाएं तो गले का कैंसर होता है, फिर फेफड़े का कैंसर, खाने की नली, फिर पेट का कैंसर, आँत का कैंसर, चाहे वो बड़ी आँत हो, छोटी आँत हो, या फिर लैट्रिन की थैली हो, और साथ में पेशाब की थैली, जिसको कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। और इसका हम एक बात ना भूलें कि जो ब्लड कैंसर होता है वो भी किन्हीं कारणवश तम्बाकू से हो सकता है। थैंक यू मैम। हमें पता है कि तम्बाकू सेवन इतना हानिकारक है, बट फिर भी लोग छोड़ने के लिए राजी नहीं होते हैं। तो मैं एक डॉक्टर अंकिता मैम से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि तम्बाकू सेवन इतना अडिक्टिव क्यों है? धन्यवाद आदित्य इस क्वेश्चन के लिए। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, और जितने भी यंग श्रोताएं हैं मैं उनको एड्रेस करना चाहूँगी, जो नया नया स्मोकिंग करना शुरू किए हैं या नया नया तंबाकू का पदार्थ लेना शुरू किए हैं, कि आगे क्या होता है शरीर में और क्या होता है ब्रेन में, जिसकी वजह से एडिक्शन हो जाता है और इसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। होता क्या है, जब भी हमारे शरीर में तंबाकू जाता है तो उसमें एक जो एलिमेंट है निकोटीन, इसकी वजह से एडिक्शन होता है। ये ब्लड के थ्रू जब भी हमारे ब्रेन में जाता है, वहाँ पर निकोटीन रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरॉन में, जो नसें होती हैं उसको एक्टिवेट करता है, जिससे कि डोपामिन हार्मोन, जो कि हैप्पी हार्मोन, जो कि नॉर्मली जब हम खुश होते हैं या जो कोई अच्छी चीज़ देखते हैं या कुछ अच्छी अचीवमेंट होता है तब रिलीज होता है नॉर्मली, नॉर्मल कंडीशंस में एंडोजेनसली। बट जब निकोटीन तंबाकू के द्वारा हमारे शरीर में जाके इस रिसेप्टर पे एक्ट करता है, तो ये डोपामिन रिलीज होना शुरू करता है, जिससे जो इंडिविजुअल है उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे खुशी होती है, एक किक जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं उसकी अनुभूति होती है। और जैसे ही डोपामिन का लेवल कम होता है, फिर उनको इच्छा होती है कि वो वापस से मतलब उस किक को एक्सपीरियंस करें। तो ये एक विशियस साइकिल है, और निकोटीन अंदर मतलब टोबैको वो यूज़ करते जाते हैं और डोपामिन का रिलीज शरीर में होता रहता है। और जैसे जैसे जितना ज़्यादा निकोटीन रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, नंबर ऑफ रिसेप्टर्स भी बढ़ते जाते हैं, तो ओवर टाइम क्या होता है कि डिपेंडेंसी हो जाती है कि उन्हें डोपामिन रिलीज के लिए निकोटीन चाहिए ही। तो अगर कभी इच्छा हुई कि ठीक है छोड़ना है, और हमने न्यूरॉन्स को निकोटीन की सप्लाई वाया टोबैको नहीं किया, डोपामिन रिलीज नहीं हुआ, तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जिसमें घबराहट, नींद ना आना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस फीलिंग को, उस विड्रॉल सिम्टम को ओवरकम करने के लिए इंडिविजुअल फिर से टोबैको का सेवन करते हैं, तो इसी कारण ये एडिक्शन होता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है जितने भी यंगस्टर्स हैं कि प्लीज़ इन आदतों को शुरू ही ना करें। पैकेट्स पे बहुत बड़ा बड़ा डिस्प्ले होता है सारे सोशल मीडिया द्वारा या बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस द्वारा, ये आपको पता है कि इससे कार्डियक
डिजीज होता है, ब्रेन का डिजीज होता है, रीनल डिजीजेज होते हैं, हाइपरटेंशन होता है, कैंसर होता है और सब कुछ होता है जो आप सोच सकते हैं, क्योंकि निकोटीन के अलावा और भी केमिकल्स है, जैसे डॉक्टर नेहा मैम ने बताया बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो शरीर पे हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, बट फिर भी एक एडिक्शन जब हो जाता है तो छूटता नहीं, तो बेटर है कि उस चीज को हम शुरू ही ना करें। तो अब तक हमने जाना है कि तंबाकू सेवन कई बीमारियों का कारण बनता है, बट अगर कोई मरीज या फिर कोई भी इंडिविजुअल तंबाकू सेवन करता हो, अगर वो छोड़ना चाहे या फिर छोड़ता है, तो क्या ये रिस्क तुरंत कम होती है? नहीं, ये रिस्क तुरंत कम नहीं होता है। जब भी कोई तंबाकू छोड़ता है तो बहुत साल लगते हैं चेंजेस को रिवर्स होने में। अगर हम डेटा की बात करें तो एक साल का समय अप्रॉक्सीमेटली लगता है कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की संभावना नॉन स्मोकर्स के कंपैरिजन 50% होने में। मतलब अगर कोई स्मोक कर रहा है उसमें जितनी संभावना है उसको आधा होने में छोड़ने के बाद कम से कम एक साल का समय लगता है, और नॉन स्मोकर्स के बराबर रिस्क होने में अप्रॉक्सीमेटली 15 साल का समय लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर स्मोकिंग या टोबैको इंटेक कम करता है या ख़त्म करता है तो भी जो बॉडी में चेंजेस हुए हैं उसे रिवर्स होने में सालों लगते हैं। अगर हम कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली एक साल लगता है कार्डियक अरेस्ट की जो संभावना है वो नॉन स्मोकर्स के मुकाबले कम होने में, मतलब 50% रिस्क को रिड्यूस होने में, और रिस्क को नॉन स्मोकर्स के बराबर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15 साल का समय लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्मोक कर रहा है 15 साल छोड़ने के बाद 15 साल में उसको उतना ही रिस्क होगा जितना नॉन स्मोकर्स को होगा। इसके अलावा अगर हम कैंसर की बात करें तो रिस्क ऑफ लंग कैंसर 50% रिड्यूस होता है 10 साल में, मतलब 10 साल तक पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिस्क है लंग कैंसर होने का। और अगर हम स्ट्रोक की बात करें, क्योंकि टोबैको जो है वो स्ट्रोक भी करता है, ब्रेन डैमेज भी करता है, तो इसके रिस्क को कम होने में कम से कम 10 साल लगते हैं नॉन स्मोकर्स के लिए। तो इसीलिए फिर से मैं वही मैसेज दोबारा दोहराना चाहूँगी, ऐसी आदत को शुरू ही ना करें जो आदत छोड़ने के बाद भी आपके शरीर में खतरा सालों साल मंडराता रहता है। वो सिर्फ आपके लिए खतरा नहीं, आपकी फैमिली और सोसाइटी के लिए भी खतरा है। थैंक यू मैम। अब हम डॉक्टर कौशल से ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई इंसान तंबाकू छोड़ना चाहता है तो उसे किस सिम्टम्स से गुजरना होगा, या फिर तंबाकू छोड़ते समय कौन से सिम्टम्स आते हैं? धन्यवाद डॉक्टर आदित्य। जैसे अंकिता मैम ने बताया, विड्रॉल सिम्टम्स बहुत कॉमन है, घबराहट होना, नींद ना आना, आपको एक जनरलाइज्ड अनइजीनेस का फील होगा, कभी कभी हो सकता है आपका हार्ट बहुत जोर से धक धक कर रहा है, ये फीलिंग्स, ये सब बहुत कॉमन है। इससे ज़्यादा और कुछ भी होता है, जैसे आपका जो टिपिकल हैबिट्स है, डेली हैबिट्स है, उसको हैम्पर्ड हो जाना, आपको बहुत लग रहा है सबके गुस्सा आ रहा है, ऐसा फीलिंग्स आ सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये सब जो हो रहा है विड्रॉल सिम्टम्स है। जिस हार्मोन को ब्रेन में खुद बनाने की क्षमता थी उसको आपने बाहर की एक चीज़ पे डिपेंडेंट कर दिया था, अब उसको आपने काट दिया तो वो अब नहीं बन रहा है, तो आपको ये लग रहा है। लेकिन ये कुछ दिन का चीज़ है, ये सारा जीवन चलने वाला नहीं है। तो आपको ये, अगर आप पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट अपने आप में लाएंगे तो ये चला जाएगा, इट्स अ फेज, वो चला जाता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी तो बहुत चैनल्स हैं हेल्प के लिए, तो उसमें बहुत हेल्प हो जाता है। तो अब तक तो हमने सुना है कि जो तंबाकू सेवन करता है इंसान उसके लिए तंबाकू हानिकारक है या फिर उसके लिए बीमारियां पैदा करती है, बट क्या ये सब चीज़ें तंबाकू सेवन या स्मोकिंग जो घर वाले हैं, जो इंसान स्मोकिंग करता है उसके घर वालों पर या फिर बच्चों पर कुछ असर करता है? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जो स्पेशली सिगरेट वगैरह जो धुआं का होता है जो वो स्मोक करते हैं, वो ये याद रखना चाहिए कि वो खुद अपने आप को जो जो कैंसर्स डॉक्टर नेहा मैम ने बताया उनको अपने आप को तो डाल ही रहे, उनका बीवी बच्चों को भी और जो बच्चे अभी नहीं है अभी गर्भावस्था में हैं उनको भी खतरे में डाल रहे, क्योंकि उनको जो रिस्क है उसको वो पास ऑन कर रहे। इसके अलावा अगर कैंसर को छोड़ भी दे तो ऐसे कम से कम 10 से 11 इन्फ्लुएंजा न्यूमोनिया टाइप का डिजीजेज है जो कि डायरेक्टली 14 साल की उम्र के बच्चे का
नीचे का बच्चे को होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अगर आप गर्भावस्था में जो है वो बच्चे की बात करें तो उनका सारे अंग विकृत, जैसे मुंह में बहुत सारे चीज़ें होते हैं, कान का ना होना, हाथ में डिफॉर्मिटीज़ ऐसा वगैरह वगैरह, बहुत डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स कहते हैं हम इसको, ये होने का चांसेस बहुत हाई है। सिगरेट जो माएँ वो पैसिव स्मोकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू सर। हमने आज ये पैनल डिस्कशन इसलिए किया था कि हर 31 मई को हम वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व करते हैं। तो एट द एंड मैं हर पैनलिस्ट से एक श्रोताओं के लिए एक मैसेज चाहूँगा कि वर्ल्ड नो टोबैको डे के लिए संदेश देना चाहेंगे। जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा था, इस साल का थीम है कि खाद्य चाहिए, तंबाकू नहीं चाहिए। तो इंडिया शायद वर्ल्ड का दूसरा हाईएस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो जो लैंड वो लेता है क्रॉप के लिए, उसमें अगर हम कॉमर्शियली प्रॉफिटेबल क्रॉप्स बनाएं जिसको बेच के पैसा आ सके, वो पैसा तो अल्टीमेटली स्टेट को ही आएगा, स्टेट से पीपल को आएगा, लोगों को ही फ़ायदा होगा, उनको आम जिंदगी में जो चीज़ें चाहिए वो ज़्यादा मिलेगा, तो दैट्स अ सीधे पीपल फ़ायदा होने वाला चीज़ है आम आदमी को, तो वो मेरा मैसेज होगा। तो अगर हम टोबैको की बात करें तो जब हम कल्टीवेशन की बात करते हैं तो जिस लैंड पे जो हमारे फार्मर्स हैं उसको उगा रहे हैं वो डिप्लीट हो जाता है, उसका जो आगे किसी खाद्य पदार्थ को उगाने की क्षमता कम हो जाती है, वो पूरा लैंड ख़राब हो जाता है। नए नए लैंड चाहिए होते हैं जिसके लिए जंगल कट रहे हैं, और इन प्रोडक्शंस के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है, जिससे जो हमारे किसान हैं या उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन पर बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे यंग पॉपुलेशन है या जो अर्निंग पॉपुलेशन है, उनमें कंज्यूम करने की वजह से अलग अलग तरह की बीमारियां, जैसे कि कैंसर, स्ट्रोक, रीनल डिजीजेज, ब्रेन की बीमारियां, इसके अलावा साइकोसिस, ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, कैंसर डेवलप हो रहा है, जिससे कि जो हमारा अर्निंग पॉपुलेशन है वो अब बीमारियों की तरफ जा रहा है। तो टोबैको करने से, किसी का यूज़ इस्तेमाल करने से या उसको उगाने से किसी का भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसमें खुद का नुकसान है, फैमिली मेम्बर्स का नुकसान है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं पहले उगाने में और उसके बाद फिर इलाज कराने में, तो कहीं से भी फ़ायदा नहीं। एक हैप्पी हार्मोन, एक डोपामिन की वजह से पूरा एडिक्शन होता है, उस डोपामिन सर्ज के लिए, उस एक हैप्पी हार्मोन जो हमें एक अच्छी फीलिंग दिखाता है, उसके साथ साथ हम बहुत सारे केमिकल्स अपनी बॉडी में ले रहे हैं और शरीर में जितनी बीमारियां हो सकती है सारी बीमारियों के लिए हम एक्सपोज हो रहे हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, थोड़ा भी टोबैको, एक भी सिगरेट, एक भी बीड़ी, एक भी सिगार जो है वो बहुत हार्मफुल है, उसे शुरू ही ना करिए, और अगर शुरुआत हो गई है तो उसे बंद करिए, ख़त्म करिए। बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स हैं आपके हेल्प करने के लिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका आप हेल्प लीजिए और इस एडिक्शन से अपने आप को रिलीव करिए, और इस टोबैको डे पे एक प्रण लेते हैं कि खुद नशा मुक्त होंगे और कोशिश करेंगे अपने अगल बगल, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अगर कोई इस चीज़ को करता है तो उसे मोटिवेट करेंगे ताकि वो नशे से मुक्त हो सके। धन्यवाद। जहाँ चाहा वहाँ रहा, आइए तम्बाकू छोड़े, जिंदगी से नाता जोड़। धन्यवाद। 31 मई नो टोबैको डे पे हमारा यही संदेश रहेगा कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर लेता है, तो सामान्य एक बुरी बीमारी को छोड़ना कोई बहुत ही कठिन काम नहीं है अगर वो इंसान ठान ले। इसके लिए ना कि उसके घर परिवार, उसके दोस्त बंधु, उसकी समाज उसकी मदद करेगी, यहाँ तक कि सरकार ने भी कई प्रोग्राम्स बना रखी हैं और लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं ये सब प्रोग्राम्स रन करने के लिए। आपको केवल पहला कदम बढ़ाना है, बाकी हम सब आपके साथ हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी और अपनी परिवार की जो खुशियां हैं इसकी बलि देकर ही ये बीमारी छूटे, आप समय रहते हुए भी इसे छोड़ सकते हैं, और इसके लिए हम चाहेंगे कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम सभी आपके साथ। पैनलिस्ट को धन्यवाद जो आप हमारी इस मुहिम जो कैंसर अवेयरनेस के लिए हम कर रहे हैं ऑन वर्ल्ड नो टोबैको डे, इसमें एक अपना हाथ बटाने के लिए। थैंक यू।